हाय गाइस, मेरा नाम राजन है। सोशल एक्टिविटीज़ है और स्पेशली एनिमल एक्टिविटीज़ है। लास्ट 4-5 ईयर से मैं ये कर रहा हूँ, एनिमल रेस्क्यू, एनिमल फीडिंग और एनिमल का एडॉप्शन करा रहा हूँ। सो रेस्क्यू में बहुत सारा एक्सीडेंट के जो अंडमान में हो रहा है, मैक्सिमम जो है डॉग्स का रिलेटेड ही हो रहा है, तो उसका रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह मैं ही करा रहा हूँ, इंडिविजुअली करा रहा हूँ, मेरा कोई हेल्प नहीं है। कभी कभी कुछ बंदे, मेरा दोस्त लोग जो है हेल्प कर देते हैं, तो मैक्सिमम मैं अकेला कर रहा हूँ। जो भी फाइनेंशियल इशू हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, मैं खुद से देख रहा हूँ। और एडॉप्शन, जैसा पपी हो गया, स्ट्रीट पपी हो गया, वो एडॉप्शन करा रहा हूँ। और फीडिंग वगैरह, 2 साल से तो कोरोना था, कुछ एरिया मैंने अडॉप्ट करके, जैसा बाज़ार हो गया मुनपुरा, जैन आरम और मेरीन बाजार, और बाकी सारा कुछ कुछ एरिया है जो मैं अपने तरफ से 2 साल से एनिमल्स को फीडिंग करा रहा था। अभी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैनाइन डिस्टेंपर का बहुत डेडली वायरस फैला हुआ है। अराउंड 100 to 150 डॉग्स का डेथ हो गया है, अभी भी हो रहा है, ये मूवमेंट तक हो रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेट्स है, ब्रीड डॉग है या स्ट्रीट डॉग, आप उसको बाहर अलाउ मत कीजिएगा कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, क्योंकि वो डेडली वायरस हवा से फैल रहा है और लिंग से फैल रहा है। तो आपका पेट जो भी है, आप बाहर रोमिंग के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो जो वायरस का साथ जो डॉग है, उससे लिंक होके आपका कुत्ता को भी हो सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ हफ्ते के लिए आपका डॉग को घर में बांध के रखिए, आपका घर का बरामदा है वहाँ पर छोड़िए, बाहर बिल्कुल अलाउ मत कीजिएगा। उसको यूरिन कराना है या फिर मोशन कराना है, तो आप अपना आज से लेके जाइए बेल्ट बंधा के और अपना घर में वापस लेके आ जाइए। नहीं तो आप बहुत मतलब बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है इंडिया में, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, पोडर में भी नहीं है। इसलिए वेटनरी वाले ने मना किया है कि कोई डॉग्स को आप कुछ भी छोटे छोटे इशू के लिए भी लेके जाएंगे तो आप मना कर देंगे वेटनरी वाला, क्योंकि वो वायरस मेडिकल में बहुत फैला हुआ है, इसलिए मना करते हैं। आपको कुछ भी डॉग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और उन लोग दवाई जो भी बोल रहे हैं वो रिफ़र कर रहे हैं वो लेके आप घर में ही यूज़ करिएगा। आप बिल्कुल डॉग्स को मेडिकल नहीं लेके जाइएगा और बाहर रोमिंग के लिए अलाउ मत कीजिएगा, क्योंकि वायरस एक बार लग गया है तो उसका इलाज नहीं है, बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर अभी फ़िलहाल किसी का भी पेट का जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस लगा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट एक ही है कि उसका देखभाल करना 24 आवर्स, तो उसका विल पावर रहेगा तो वो रिकवर होने का चांसेस है। उसका अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत क्रूलिटी वगैरह हो रहे हैं, उसको भी आप इग्नोर करिएगा, और गाड़ी वगैरह जो चला रहे हैं स्पीड में उसको भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि बेजुबान है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसको केयर करने वाला भी कोई नहीं है, और अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता भी है उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम अकेला बंदा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 5 साल से मैं कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, ह्यूमन हेल्प एनिमल से, मतलब मेरे से भी नहीं हो रहा है। कितना कितना क्रिटिकल केस मैंने देखा है, और कितना मतलब अनकंडीशनल एनिमल लवर हूँ मैं। सो मुझे मतलब रात को नींद नहीं आ रही इसका, एक एक डॉग को ट्रीटमेंट कराने का टाइम, क्योंकि उतना तकलीफ कुछ लोग झेल रहे हैं। और ये वीडियो मतलब टाइम पास के लिए मैंने नहीं बनाया है, मेरा ये पहला वीडियो है। मैंने बहुत सारा जो भी रेस्क्यू किया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैंने हमेशा पोस्ट करता है और डिटेल का साथ पोस्ट कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो, क्योंकि मजबूरी हुआ कि एक वीडियो बनाया ये कैनाइन डिस्टेंपर का वायरस का वजह से। और मैं मतलब इंडिविजुअली कर रहा हूँ, और मतलब टाइम पास के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब दिखावा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी फाइनेंशियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, चार्जेस है, जो भी है, मैं अपना हाथ से दे रहा हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। कुछ बंदे हेल्प कर देते हैं, मेरे दोस्त लोग कभी कभी, उन लोग फ्री रहने से, उसके अलावा कोई हेल्प नहीं करता है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से मेरा रिकॉग्निशन भी मिला है, और पीबीएम मुंसिपल से मेरा अप्रिसिएशन भी मिला है बहुत सारा। तो क्योंकि उन लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली मैं कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ बेजुबान को,
और आज आज का दिन भी मेरा पास दो केस आया क्या है डिस्टेंपर का, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इतना अनलिमिटेड मुझे कॉल आ रहा है कि ऐसा कैनाइन डिस्टेंपर है, कैनाइन डिस्टेंपर है, उसका इंडिया में ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। कुछ बंदा लोग का तो ऐसा है कि आप कर रहे एनिमल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मगर आपको फ़ोन करने से आप हेल्प नहीं कर रहे। अरे यार मैं एक्सीडेंट केस वगैरह देख रहा हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। मैं मतलब अब मेरा भी खुद का पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, और मैं भी एक बिजनेस करता वाला इंसान हूँ। ऐसी मैं मतलब 24/7 मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जब फ्री हूँ मैं वो तभी कर पा रहा हूँ, तभी करूँगा। आपको अगर कुछ सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, मैं फ़ोन में बता दूँगा, या कुछ अगर हेल्प चाहिए तो मैं वेटनरी में डॉक्टर है जो जान पहचान है, तो उनका थ्रू मैं हेल्प कर दूँगा, दवाई का रिलेटेड हो कुछ भी हो। 24/7 आप कॉल करते सर, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता है। आप समझने का कोशिश करिए। और एक मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन करना मना है। बस यही है कि मैं जब फ्री हूँ तभी कर सकता हूँ, उसका अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि 24/7 आप फ़ोन कर दिया मैं आ गया। मैं बहुत एन नंबर ऑफ रेस्क्यू किया हूँ, डॉग का और गोट बकरी बच्चा पप्पीज बहुत सारा रेस्क्यू किया, बहुत मतलब बहुत जन बहुत डॉग्स मगर सेव हुए, बहुत डॉग्स का डेथ हुआ है, उन लोगों फिर अपना खुद का हाथ से मैं गाड़ता हूँ, वो सब मैंने पोस्ट किया है। तो आप समझने का कोशिश करिए, ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि कैनाइन डिस्टेंपर से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हर जगह कुत्ता का डेथ हो रहा है, तो अपना पेट को अपना घर में सेफली रखिए, बाहर बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये वीडियो आज का दिन 10 तारीख 11/11/2022 में बनाया हुआ है, ये कोई पुराना वीडियो नहीं है कि आप मतलब देखा और इग्नोर कर दिया। आप प्लीज़ आप सोशल मीडिया में सारा सोशल मीडिया में शेयर करिएगा। थैंक यू।